अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार काफ़ी देर से मैं आपको लाड़े लगा रहा था कि यार हमने स्वाद के लिए जाना है, स्वाद के लिए जाना है, टूर होगा हमारा, आपको दिखाएंगे जनाब। बाकी प्लान हमारा हो गया, आज ईद का दूसरा दिन है, हम अभी थोड़ी देर तक जो है ना निकलने लगे हैं। बाइक्स पे हमारा सफ़र होगा, जो कि आपको बताएंगे कि आप कैसे जल्दी से स्वाद पहुँच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारा ये जो ब्लॉग है ना, ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये तकरीबन हमारा 3 से 4 दिन का टूर है और टूर बड़ा ही मज़े का होगा इंशाल्लाह। ओके, ब्लॉग देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। टूर के लिए निकल लिए गए हैं, अल्लाह का नाम ले के जनाब निकले हैं। पहले धूप सूर तो बड़ी है, इतने सियालकोट से निकलेंगे तो फिर आगे है उम्मीद के रास्ता ठीक हो जाए। बाकी रास्ता एक दफ़ा आप चेक करवा लिया, टेंकी शेंकी फिल करा लिया, दूसरे भाई लोग भी सारे करवा रहे हैं, तो निकलते हैं देखते हैं। धूप अभी लगी है, पहले हम रात को निकलते थे, आज ज़रा जल्दी निकले हैं। बाकी सेफ्टी ये है कि आपने ग्लव्स वगैरह पहने लें, जिद का खास ख्याल रखना, जिद बड़ी जल्दी खराब होती है। और हम हेलमेट पहन लेंगे जना, आप सेफ हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि पिछली दफ़ा स्किन बड़ी ख़राब हो गई थी। फिर आगे चलते हैं। ये डस्ट से देखो बैगों का क्या हाल हुआ, कपड़े शपड़े गंदे हो गए हैं, शूज वगैरह सारे। मैं तो अभी पहन के आ गया हूँ, निकल शर्ट पहन के आनी चाहिए, वो आगे रस्ते में चेंज कर दिया। ये देखो हाँ देला, नमाज शमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ के फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। नमाज शमाज हमने पढ़ ली है, तो ये निज़ाम बड़ा अच्छा है। अगर आप थक जाते हो बैठे बैठे तो इसके ऊपर बड़े कंफर्ट से आप बैठ सकते हो। अगर बाइक पे आपसे सफ़र नहीं होता है, बड़े कंफर्टेबल बैठ सकते हो। हाँ भाई कैसा लग रहा है? अगर आपसे बैठे बैठे आपकी तशरीफ थक जाती है तो ये कम्फर्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये चेक करें, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार। कैमरे में हो सकता है ना ऐसा लग रहा हो, बाकी ये बहुत प्यारा है। थोड़ा सा चांद रोटेट हो जाता ना तो जनाब पाकिस्तान का फ्लैग बन जाना था। नाम देख के सफ़र शुरू करते हैं, बाकी कोशिश है कि हम रात में जो है ना इस्लामाबाद तक रुक के, बाकी देखो कैसा रहता सफ़र। इन दोनों का देखो पिछले का मुंह बन गया हुआ है, वो कहता मैं चलानी है, वो कहता मैं चलानी। लै बाबा लै लैंदा तेनू ब्लॉग च, मैं क्या ब्लॉग च लैंदा तेनू, तू कहना मैनू नहीं ना लिया। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on तकरीबन को 6 घंटे बाइक चलाने के बाद हम पिंडी पहुंच चुके हैं। बहुत ही थका देने वाला सफ़र था, आपको पता ही है काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन साल बाद हमें ये टूर प्लान करना होता है, तो इसीलिए फिर ज़रा मुश्किल हुई है थोड़ी सी। बाकी पहुंच गए हैं, बाकी देखो कितने दिनों में स्वाद पहुँचते हैं। हमारा यही है कि हमने स्टे करते हैं जाने, कभी कहीं रुके कभी कहीं अभी रुकते हैं पिंडी, सुबह इंशाल्लाह पिंडी से आगे निकलेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का इसका एंड, बाकी पार्ट टू डे 2 जो है ना इंशाल्लाह सुबह शुरू करेंगे और उसमें आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है।